तक जो मुझे दो दिन पहले तक सूचना थी कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे भागलपुर जिला में आ रहे हैं, बड़े गौरव की बात थी। लेकिन 3 घंटे पहले ये सूचना आई कि उस मंच से आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी भी, जो हमारे महागठबंधन के पार्टियां हैं, वो लोग भी उस मंच में साझा करेंगे। नमस्कार, आप News4Nation देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें आगामी सभा को लेकर के जानकारी दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी कल 11:30 से 12 के बीच में जनता को संबोधन करेंगे। साथ ही साथ बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे, वो भी जनता से रूबरू होकर अपनी बातों को रखेंगे कि बिहार सहित भारत का किस तरीका से विकास हो, खास करके भागलपुर की किस तरीका से विकास होगा, उसको लेकर के बातों को रखेंगे। वहीं उन्होंने पूरे भागलपुर क्षेत्रवासियों, लोकसभा क्षेत्रवासियों से अपील की है कि आप जितने भी जनता हैं अधिक से अधिक आकर इस सभा में उपस्थित हों, साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित होकर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, साथ ही साथ राहुल गांधी के भाषणों को सुने और इस पे चर्चाएं करें। वहीं बताते हुए उन्होंने वर्तमान NDA प्रत्याशी अजय मंडल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि जिस तरीका से गांव कस्बा में अजय मंडल कहीं दिखते नहीं हैं, लोगों का साफ आरोप है कि विकास तो दूर की बात है, पहले प्रत्याशी से रूबरू तो होते। वहीं हम आपको उनके सारे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा। जो मुझे 2 दिन पहले तक सूचना थी कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे भागलपुर जिला में आ रहे हैं, बड़े गौरव की बात थी। लेकिन 3 घंटे पहले ये सूचना आई कि उस मंच से आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी भी, जो हमारे महागठबंधन के पार्टियां हैं, वो लोग भी उस मंच में साझा करेंगे। ये पूरे भागलपुर जिला के सभी भाई बहनों के लिए, जनता के लिए और मेरे लिए भी गौरव की बात है। एक मंच पे महागठबंधन के जो आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं, और आपको बता देते हैं सहनी जी आए हैं, क्या उत्साह है लोगों में। तो उसी के लिए मैंने कहा कि मैं PC करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाऊं और ये बता दूं, जो प्रचार हम आज 1 बजे तक कर रहे थे कि सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी साइंटिस्ट कंपाउंड में जनता को संबोधित करेंगे, सूचना आई कि नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी, आदरणीय मुकेश सहनी भी साथ में मंच को साझा करके करेंगे, और ये संदेश भागलपुर से पूरे देश में जाएगा इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और सब लोग एक मंच से जनता को संबोधित करेंगे। ये भागलपुर की जनता के लिए, मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने की बात है। ये कार्यक्रम है 11:30 बजे से 12 के बीच में, ये सारे नेता भागलपुर के मंच में उपस्थित रहेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। मैं भागलपुर की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, भारी अधिक से अधिक संख्या में आइए, उनकी बातों को सुनिए। जो कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो विकास किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उस विकास जो किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम किया, आइए और सुनिए देश को हम लोग कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, भागलपुर को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। जो 5 वर्षों से यहाँ आदरणीय अजय मंडल जी सांसद थे, मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, एक एक गांव में जनता ये बोलती है, विकास की बात तो छोड़िए, 5 वर्षों में वो एक दिन भी किसी गाँव मिलने तक नहीं आए। इसके लिए बहुत ही आक्रोशित है जनता, और पूरे उत्साह में हमें वोट देने के लिए ललचाई है, और मैं आपके माध्यम जनता को विश्वास दिलाता हूँ, ये जीत मेरी नहीं, जनता की जीत होगी, विकास की जीत होगी। और आपको बता दें, जितनी शक्ति वो देंगे मुझे जनता, जितने वोट से जिताएंगे, उस शक्ति से मैं लोकसभा में उनकी आवाज बनूंगा और लोकसभा से उन्हें काम कराने का काम करूंगा। लंबे अरसे के बाद जो है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, वर्षों के बाद, कितना वर्ष के बाद आ रहा है? 35 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है, गठबंधन की पार्टी जीत रही है। लेकिन कैसा स्वागत होगा
कांग्रेस के द्वारा? नहीं, स्वागत क्या होना है, वो हमारे नेता है, भावी प्रधानमंत्री हमारे होने वाले हैं, इस बार सरकार हमारी इंडिया गठबंधन की बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, स्वागत की बात नहीं है। उनकी बातों को सुनने के लिए लोग उमड़ेंगे, साइंटिस्ट कंपाउंड में भरेंगे लोग, और उनकी बात को सुन के वो लोग आगे बढ़ेंगे, और पूरे देश को जाति पाति समुदाय से ऊपर उठ के हम लोग एक हैं, और राहुल गांधी इसी सोच के साथ, तेजस्वी जी इसी सोच के साथ सब लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें, तेजस्वी यादव जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने जो नौकरी देने का ऐलान किया, आज नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से या 18 वर्ष, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी नौकरी नहीं दे सके। जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, तो लोगों को नौकरियां मिली। यह नौकरी हम लोग देना चाहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार नहीं। आज हमको अभी कोई बता रहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में ये कहा, अपने वो उम्मीदवार जो उनका आदरणीय अजय मंडल जी, जो कहीं किसी गांव तक गए नहीं, विकास की बात तो छोड़िए, उन्होंने कहा ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, इसको वोट दीजिए। और जो महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के अजीत शर्मा जी हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो कोई काम के आदमी नहीं है। अगर वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, मैं ईमानदारी से काम किया हूँ, इसका मतलब आदरणीय नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं, वो मेरे बारे में जानते हैं, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और विकास की बात जनता का करता हूँ। अगर वैसा बोले हैं, उनको पूरे बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जदयू पार्टी से भी कुछ लोग शामिल हुए हैं।